हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस के अंदर 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिलती है, जहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिखने को मिल जाता है। ये डिस्प्ले एक कर्व स्क्रीन डिस्प्ले है, जहां पर 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा दिखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमरास भी मिलते है, जहां पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस दिखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में जो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, वो है सोनी का IMX766। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ये सेंसर यूज किया गया है। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन A65 का प्रोसेसर भी मिलता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन ओप्पो का नया फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 65 वॉट के फास्ट चार्जर से। और ये चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड टाइप सी पोर्ट भी मिलने वाला है। इस फोन में कोई 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो चाइना में इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस है 3999 yuan, यानी की करीबन 45,000 Indian rupees। ओप्पो रेनो 5 एंड ओप्पो रेनो 5 प्रो इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाले है, क्योंकि ओप्पो के हेड ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और ओप्पो रेनो 5 सीरीज को इंडिया का BIS सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, यानी कि ओप्पो रेनो 5 सीरीज इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन ओप्पो रेनो 5 एंड ओप्पो रेनो 5 प्रो जनवरी 2021 में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग ओप्पो रेनो 5 सीरीज के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।